देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, देन चेंज देम इनटू नेगेटिव फॉर्म. फॉलो द एग्जांपल. पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में करना है, फिर उसको निगेटिव में करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब भाई उसमें इज एम आर लगा होगा और आई एन जी लगी होगी. क्या लगा होगा? इज एम आर में से कुछ लगा होगा हेल्पिंग वर्ब में से और आई एन जी लगी होगी. द फार्मर इज प्लॉफिंग द फील्ड. किसान खेत जोत रहा है. देखिए प्लॉफ लिखा था, उसको इज लगाया, फार्मर सिंगुलर तो इज लगाया और प्लॉफिंग कर दिया, आई एन जी लगा दिया प्लॉफ में. फिर अगर निगेटिव बनाना तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया. द फार्मर इज नॉट प्लॉफिंग द फील्ड. अब इट डैश कैट्स एंड डॉग आउटसाइड. यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया रेन. तो आप क्योंकि कॉन्टिन्यूस बनाना है, कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? इज एम आर में से एक चीज़ लगेगी, तो इट के साथ क्या लगेगा? इज. इट इज. फिर रेन का क्या करेंगे? रेनिंग, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूस में आई एन जी लगाना होता है. रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड. अगर आप इसका ऐसी हिंदी में ट्रांसलेशन समझेंगे कि बाहर कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड. कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड. अब इसका निगेटिव बताइए क्या होगा, चलिए बताइए. इट इज नॉट रेनिंग. नॉट इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है. नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड. ठीक है, आखिरी में डॉट लगा दें. वी डैश एट फ्रेंड्स प्लेस. वी के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर लगता है. इज एम आर में से आर लगता है. वी आर स्टे है, स्टे में आई एन जी लग जाएगा. स्टेइंग, हम ठहरे हैं फ्रेंड्स के प्लेस पे. तो इसका हो जाएगा वी आर नॉट स्टेइंग, हम नहीं ठहरे हैं एट फ्रेंड्स प्लेस. ठीक है. माय सिस्टर द इंटीरियर ऑफ आर हाउस. माय सिस्टर इज, क्योंकि ये सिंगलर है तो इज. यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का क्या हो जाएगा? डिज़ाइनिंग. माय सिस्टर इज डिज़ाइनिंग द इंटीरियर ऑफ आर हाउस. ओके, उससे पहले हमने यहाँ पॉजिटिव का बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव कैसे होगा. बस प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई है तो एम लगाएंगे, और यू वी दे है तो आर लगाएंगे, बाकी सब में इज. सिंगलर है तो इज. ठीक है, ये सब हमने बताया था. देखिएगा ये वाला, इसका आप निगेटिव बताइएगा क्या होगा. माय सिस्टर इज डिज़ाइनिंग द इंटीरियर. अभी इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर आप कर पाए कमेंट तो करिए पहले का.